हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मेरा नाम है प्रीत और आप देख रहे हैं क्रेजी ब्लॉग। तो सबको गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे 7 और आज बनाएंगे मैगी। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना नए नए क्रेजी वीडियो देखने के लिए। और अभी हम चलते हैं अपने किचन में। तो अभी हम आ चुके हैं अपने किचन में। सबसे पहले आपको एक टमाटर को काट लेना है बारीक बारीक। उसके बाद आपको हरी मिर्च लेनी है दो, और हम दो डालेंगे। उसको अच्छे से बारीक काट लेना, उसको अलग कटोरी में रख देना। उसके बाद हम प्याज लेंगे, प्याज हमने दो दिए, उसको भी बारीक बारीक काट के एक कटोरी में रख लेना। तो अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में कोई भी ऑयल डालेंगे। अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है वो डालें, हमें रिफाइंड अच्छा लगता है तो हम रिफाइंड डालेंगे। उसके बाद हम उस कटे हुए प्याज उसमें डाल देंगे कढ़ाई में, उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी हमने टमाटर और हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी हम अपने दूसरे चूल्हे पर टोपिया लेकर उसमें 2 गिलास पानी डालकर और 2 पैकेट मैगी के डाल देंगे। तो अभी हमारी जो मैगी हमने डाल दी है और वो अच्छे से तैयार हो रही है। तो तब तक के लिए हम दूसरे चूल्हे पर जो मसाला है उसे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, और वो मैगी भी वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा इतना सा हल्दी पाउडर, क्योंकि इसमें बाकी मसाले होते हैं ना, थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे, क्योंकि पहले से जो इसका मसाला आता है ना मैगी का, वो बहुत तीखा होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जिसको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो ज़्यादा डाल दें। तो अभी हमने इसमें मैगी डाल दी है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल लेना, इसमें डालेंगे मसाला, जो मैगी का मसाला था वो डालेंगे हम इसमें, 2 पुड़ी आई थी 2 डालेंगे। हमने इसमें मसाला डाल दिया और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक पूरा पानी सूख जाएगा। अभी गैस को हम थोड़ा सा फुल कर देते हैं, मीडियम कर रखा था हमने पहले। तो अभी हमारी मैगी पूरी तरह से तैयार है और हमने उसको एक प्लेट में तो निकाल लिया। दोस्तों, आपको ये मैगी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो, और नए नए ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।